अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मेरे रूम में आकर मैंने देखा ये सारे कबूतर तो खुले हुए थे। मैंने यार, मैं आपसे पहले तो आपको सॉरी बोलता हूँ कि कल वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि कल मैं पूरा दिन मेरे रूम में आया ही नहीं था। कल यार क्रिकेट थी बस यार, फजूल काम आप समझ सकते हैं। सो आपके साथ शेयर नहीं की कल की अपडेट। सो मैंने सोचा आप पहले तो आपके आपसे साथ शेयर करें। मैं अभी कॉलेज से आकर सो गया था, इस वजह से अभी जो उठा हूँ तो वीडियो बनाने में अचानक से आ ही गया। और अभी आपस में कुत्तों की तरह लड़ने, पता नहीं क्या हो जाए, अंडे वंडे देने, और जिसने अंडे दिए हैं उनकी आपके साथ अपडेट शेयर करते हैं। और जो है कि मैं कल जो वीडियो बनाऊंगा, और इन अंडों में से कितने दिन में, आज जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक ये है कि इन अंडों में से कितने दिन में बच्चे निकलने वाले हैं। और जो है कि दोस्त के पास जो अंडे थे आपको दिखाए थे पिछली बार, और इस बार जो है कि उसमें से मतलब बच्चे तो निकल चुके हैं, 4-5 दिन बड़े भी हो चुके हैं। आपके साथ शेयर नहीं किया, सो कल जाकर आपके साथ शेयर करूँगा, या आज ही वीडियो बना लूँगा आपके साथ शेयर कर लूँगा मैं कल, जो है कि ये वीडियो आज मैं अपलोड कर दूँगा। सो आपको चलते हैं अपने मरीजों के अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। चलें जी, वो अंडे पर नहीं बैठ रही, उसको अपना अंडा ख़राब करना है। बस यार क्या कर सकते हैं, बस हम हमारी अल्लाह से यही दुआ है। पूरा दिन नहीं होती तो पूरी रात तो बैठी होती ना अंडे पर। हमारी अल्लाह से यही दुआ है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसके अंडे से भी बच्चा निकलेगा, और जल्द ही इसके अंडे में से जल्द ही निकलेगा, क्योंकि इसको 10 दिन तकरीबन हो चुके हैं। आप वीडियो मेरी अब से मतलब अपलोड की हुई है, आप वो देख सकते हैं कितने दिन उस वीडियो को हुए। चलें जी, आपको दिखाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं उसकी अपडेट। अंडा तो पड़ा है, उसने कुछ नेस्ट भी बनाया है, आपको आपके साथ शेयर करते हैं। चलते हैं आपको दिखाते हैं। इधर बैठी हुई थी इसके साथ, तो अभी मुझे देखकर डर कर चली गई। कैसे उड़ती है, अंडा कैसे, कुत्तों की तरह डर कितना रही है देख सकते हैं। ये इसका अंडा देख सकते हैं। सो ये देख सकते हैं, ये वाला जोड़ा है जिसको घर दिया था, तो इन्होंने भी अभी तक कुछ भी नहीं बनाया है, इनका मूड नहीं है, पता नहीं क्या। देखते हैं इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ये भी अंडा दे देंगे, फिर इनके अंडों में से भी बच्चे निकलेंगे इंशाल्लाह। बहुत प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बच्चे निकलेंगे, और उनको ये फीड करेंगे। आपके साथ चलें, आपके साथ शेयर करते चलते हैं। और उस अंडे पर अभी तो माँ बैठी हुई है जो कि अंडों को देखने तक नहीं देती। चलें जी, अभी मैं नींद से उठ के आया हूँ, तो इस वजह से थोड़ा आवाज़ बैठा नहीं होगा। ये देख सकते हैं शेरों की तरह अपने अंडों पर बैठी हुई है, और इसको छेड़ना कोई खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यार ये नुकसान पहुंचाएगी। इसका मेल जो है वो उधर है, वो देख सकते हैं, वो समझ रहे हैं मेरी बीवी को उठा रहे हो। उसकी बीवी को भाई मैं हाथ ही नहीं लगा रहा, अब तुम्हारी बीवी खुद मुझसे लड़ती है, मैं कैसे उसको हाथ लगाऊंगा। ये इसका मेल, इसका हस्बैंड, और ये गुस्सा कर रहा है कि मेरी बीवी के पास गए क्यों हो, तो मैं तो तुम्हारी बीवी के साथ पास से साइड हो जा रहा हूँ, तुम अपनी बीवी के पास चले जाओ भाई, भाई भाई सॉरी सॉरी। ये आप मुर्गियों का हालत देख सकते हैं, ये हमेशा बेचारी शायद बंदी होती हैं। कल तो मैं आया नहीं था, तो दूसरे और आए थे भाई वाले या कोई और आया था, मुझे पता नहीं है कल की या कल क्या हुआ था, तो मैं तो नहीं आया था ना भाई। सो आप देख सकते हैं, और कुकू मुकू की अपडेट आपके साथ शेयर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उनकी अपडेट तो कोई न्यू अपडेट आई नहीं है, तो वो आपको दिखा देंगे भाई, आपके न्यू कर लेंगे फिर से। बस भाई चलें जी, अभी इस वीडियो को करते हैं यहीं पर दी एंड। आपके साथ शेयर भी करना है, अपलोड भी करना है, अपलोडिंग भी टाइम लगता है। ये देखें अभी तक अंडे पर नहीं गई है, मतलब इसका बिल्कुल ही मूड नहीं है कि मेरे अंडे से बच्चा निकले और मैं उसको खाना खिलाऊँ। ये बहुत परेशान करती है यार, अल्लाह करे बैठ जाए। पहला अंडा भी जैसे कि तोड़ दिया था इसने, आपको पता है। ये क्यों गुस्से में बैठ रहा है। चलें जी, इसको पकड़ते हैं आज। चलें जी, नहीं भाई नहीं पकड़ा गया मुझसे, देख सकते हैं।
तो इस वीडियो को आपने देख लिया, अभी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं दी एंड। आपसे चाहते हैं इजाज़त, मिलेंगे कल इंशाल्लाह न्यू वीडियो में, न्यू व्लॉग को मिलेंगे इंशाल्लाह। अक्सर शेयर करेंगे, ड्रग्स को निकाल देते हैं बाहर, इनको अंदर करके। डक्स को खोल लेता हूँ, मुर्गियाँ उठती हैं डक्स थोड़ी। ये डक्स निकल, देख सकते हैं डक्स निकल आई, सारी डक्स आ गए। ये भी सबसे चाहते हैं इजाज़त, मिलेंगे कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।